हो रही थी कि लाइक हिजाब को लोगों ने इतना ज्यादा एक उससे बिचारी से जोड़ रखा है हिजाब को कि ये हिजाब लगाती है, तो पहले वो स्टीरियोटाइप कर लेते हैं कि इसकी फैमिली में बड़ी कंजर्वेटिव होगी, ये खुद बड़ी ये खुद बड़ी कंजर्वेटिव होगी, वो इसको पहले से बहन बहन करके बात करनी पड़ेगी लाइक और पहले इसको नो टची टची ठीक है नो टची टची, बट स्टिल एक ये है कि लोगों को ये लगता है जब जब मैंने लाइक स्कूटी चलाती हूँ तो ठीक है आजकल थोड़ा ये क्योंकि चीज बहुत कॉमन हो गई है स्कूटी चलाना लड़कियों के लिए, कार चलाना बहुत कॉमन हो गया है, बट जब एक हिजाबी बाइक चलाती है तो वो एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं लाइक आई लव दोज एक्सप्रेशन, जब खासकर लड़के और खासकर गाँव में, जब मैं गाँव में क्योंकि वहाँ रास्ते में बड़ा मजा आता है पेड़ पौधों के बीच में, तो जब मैं बाइक लेके निकली अपने कजन के साथ और जो लड़कों की लाइक लड़के हैं जो बेचारे बुजुर्ग लोग थे उनकी जो आवाज आ रही थी ना चिल्ला चले मजे में घूम, फिर मेरी बहन भी निकली बाइक लेके, तो सबके सब बहुत बिल्कुल ऐसे करके ये जो उधर से आ रहे सवारी से वो और औरतें भी बच्चे भी सब यूं पीछे ऐसे 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 कर रहे हैं, तो मतलब क्यों भाई इसको ये चीज इतनी बड़ी चीज तो नहीं है, वो भी टू व्हीलर है वो भी इतना कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है उसमें थोड़ा सा क्लच और गियर वाला सिस्टम है वो तो कार में भी होता है, अब आप इस चीज को इतना ज्यादा वो कर लेते हैं क्योंकि क्यों है ये चीज क्यों है हमारी सोसाइटी में मुझे समझ नहीं आता, जब कोई लड़की कार लेकर आ रही होती है तो लोग पहले ही यू नो बचो भाई पहले बचो कि इस लड़की आ रही है वो चीज मेरे अंदर रहती, मैं आज भी किसी लड़की को स्कूटी या उससे कार से आते हुए तो मैं अपने आप को साइड कर लेती हूँ ठीक है बचो, हम देखो कितना डीप डाउन ये चीज स्टीरियोटाइपिंग हमने अपने माइंड में बना सदियों से एग्जैक्टली वो हमारे अब ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला गया है कि हम अब ये बहुत ही आदि हो गए इस चीज को सोचने पर, इतना ज्यादा कई दफा हमें भी नहीं पता होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन वो होती हैं क्योंकि वो कई सालों से हमारे अंदर ढली हुई हैं चली आ रही है। मैं अक्सर न्यूज पे देखती रहती हूँ फर्स्ट इट्स लाइक के हिजाबी पायलट हिजाबी रेसलर हिजाबी वेट लिफ्टर, मैंने हिजाबी लाइक मलेशिया काइंड ऑफ थिंग में यहाँ पे पूरी टीम हिजाबी फुटबॉलर टीम क्रिकेट टीम एंड बास्केटबॉल टीम पूरी मैंने सब देखी है, बट मैं सोचती हूँ कि इंटरनेशनली लोग है बट स्टिल इंटरनेशनली और नेशनली सब इस चीज को मतलब अभी भी उनके लिए बहुत ही एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंग है कि मतलब इट्स नॉट कॉमन, मैं ये जब मेरे एक फ्रेंड था कॉलेज में जब उसको पता चला कि मैं क्रिकेट टूर्नामेंट खेल चुकी हूँ बहुत सारे, मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ, मैं एनसीसी में थी, मैं इसमें ड्रिलिंग में ट्रॉफी मिली कल्चरल एक्टिविटीज सब में ये सब थी, तो ही वॉज लाइक यार मैं तो तुमको बहुत शरीफ समझता था तुम ये सब काम कर लेती हो, अरे शरीफ समझता था मतलब क्या 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 कहना क्या चाह रहे हो, लेकिन ठीक है यार एक कपड़ा एक पीस ऑफ क्लोथ अगर सर पे लपेट लेती हूँ दिस इज वेरी स्ट्रेंज मतलब ही वाज मुस्लिम हां ड्राइविंग हां मतलब एक हो सकता है ही डिड मीन या ही डिड मीन दैट बट ये वो इससे ये पता चलता है कि हमारे यस हमारी सोसाइटी का ये पता चल रहा है ना कि लोग आदि नहीं है इस चीज उनको ये चीज उनके लिए कॉमन है ही नहीं कि एक हिजाबी लड़की को देखें कुछ करते हुए ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यू नो रादर देन सिटिंग एंड स्टडीइंग और डूइंग यू नो हाउसहोल्ड वर्क्स, उसके अलावा अगर कुछ करती है तो बहुत ही उनके लिए रेयर चीज होती है ये क्या हो रहा है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि देखो ये कपड़ा है ये जिससे पीस ऑफ क्लोथ जो मैंने अपने उसके लिए अगर सर पे बांध दिया इससे इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ऑलराउंडर नहीं हो सकती, एंड मैं ये सब काम करने के बावजूद मैं बता देती हूँ मैं घर में अच्छा खाना भी पका लेती हूँ ठीक ठाक बनाती हूँ, इतना भी के शेफ नहीं हूँ मैं बट अच्छा बना लेती हूँ, घर की सफाई अच्छी कर लेती हूँ, सारे काम अच्छे कर लेती हूँ, तो मुझे तो स्पेशली स्कूल में भी मुझे हमेशा से ऑलराउंडर का एक टाइटल मिला हुआ था स्कूल में कि लाइक क्योंकि मेरे पास होम साइंस सब्जेक्ट था तो वहाँ पे कुकिंग भी होती थी एंड स्पोर्ट्स भी होता था, तो टीचर्स लाइक टीचर्स ने ही मुझे ऑलराउंडर टाइटल दिलवाया था वो कि तो सारे में ही जिसमें देखो मैंने एक बार स्टाफ में टीचर्स को बात करते हुए सुना था, मैं निकल रही थी और टीचर्स को सर्व करके मैंने मंचूरियन बना के सर्व करके निकली तो आवाज आ रही थी टीचर वाला लाइक कि हर चीज में इतनी अच्छी है तो कुछ छोड़ा है चीज में इतनी अच्छी है, एंड मैं प्रिंसिपल मैम आज स्कूल छोड़े हुए कितने साल हो गए 4-5 साल हो गए आज भी मिलती है तो आज भी चीज लाइक बेटा तुम्हारे जैसे बच्चे नहीं आते यू नो जब फंक्शंस होते हैं एनुअल फंक्शंस तो एक होता है ना लाइक आई वाज फेमस फॉर माय एक्टिंग कॉमेडी एक्टिंग एंड मैच ड्रामा, तो वो चीज मैम आज भी मिस करती है कि अभी भी
बच्चे इतने अच्छे नहीं आते, तो माँ तुम तो लाइक फंक्शन में वो कर दी, जान डाल दिया करती थी। मेरी मम्मी को मैं लेके गई थी तो उनको रियलाइज हुआ कि वो उनकी बेटी क्या है, जो जब फंक्शन स्पेशली मैम ने मेरा नाम लेकर मुझसे रिलेटेड सारी चीजें बोली थी, स्पेशली मेरा नाम, सिर्फ आई वॉज द वन पूरे स्कूल में जिनका उनकी स्पीच में मेरा नाम था। और मैं क्योंकि बट थोड़ा सा क्योंकि वो इंग्लिश में बोल रही थी, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, बट स्टिल उनको ये तो पता चला उन्होंने आबिदा नाम कुछ लिया, तो वो रियलाइज किया उन्होंने उस दिन कि मेरी बेटी लाइक वो वाला सीन। बट मुझे वैसे अब चीज इस चीज़ को मैं इंजॉय करने लगी हूँ कि हिजाबी वाला सीन के आप कुछ करने जाते तो लोग आपको ना थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिएक्शन देखने को मिलते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये इतनी भी अच्छी चीज़ नहीं, ये एक आप भाई एक एक लड़की जो है मतलब हमें हर कदम पे प्रूव करने की क्यों जरूरत पड़ी। एग्जैक्टली, तो हमें जाप के साथ क्या लोगों को लगता है कंजर्वेटिव, आई एम नॉट कंजर्वेटिव, मैं मॉडर्न हूं एंड आई नो दैट के वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट मॉडर्नाइजेशन, इफ आई वेयर अ स्कर्ट दैट डजंट मीन आई एम मॉडर्न। मैं मॉडर्न हो सकती हूं अपने ओपन माइंडेड, मैं ओपन माइंडेड गर्ल हूं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लाइक कुछ किसी का, जो लोगों ने आजकल लोग की आजकल ओपन माइंडेड का डेफिनेशन ही चेंज हो गई है, वो वाली नहीं, एक जो विद योर ड्रेस, यस मैं अपने मॉडर्न के भी मॉडर्न हो सकती हूँ। कंजर्वेटिव आप बोल देना ये बहुत ही धक्के वाली चीज होगी। मेरी फैमिली में हाँ फैमिली कंजर्वेटिव थी, बट उनकी मैंने माइंड को खोला है, मैं उनको रियलाइज कराया है कास्ट वाली चीजों से। मेरी मम्मी जो कभी स्कूल नहीं गई, आज वो ये बोलती है कि बस कास्ट वास्ट का क्या है, लड़का अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, आज वो ही बोलती है। बट स्टिल अभी पापा पे काम चल रहा है अभी मम्मी जरा वो हो गई है, मम्मी एंड भाई, पापा पे काम चल रहा है, ठीक है, वो भी पापा पे से जैसे ताया चाचा दादा इन सबका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है उसका। बट मैं ये कहूंगी कि कभी भी एक ना कि दुखी होकर बैठ जाओ, हार मान के बैठ जाओ, गलत है। आप जिस दिन हार मान के बैठ जाओ ना, मतलब लाइक वो एंड है आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। क्योंकि मेरे लिए मेरे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एंड, यू नो, जब मेरा इस दुनिया से एंड होगा उसी दिन मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एंड होगा। अपने सेल्फ एस्टीम के लिए काम करो, लोगों को प्रूव करो, लोगों को आप जबान से नहीं अपने काम से प्रूव करो, आप उनको प्रूव करो, बाबा आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, और आपको बाबा रिबेलियन होने की जरूरत नहीं है, उनको इतना ज्यादा वो नहीं, उनको यू नो पंच देम विद योर सक्सेस, आप उनको जरूरत नहीं, आप एक्चुअली उनको जाके ऐसे वो बकवास करेगा। बट स्टिल मतलब मैंने मेरी फ्रेंड्स काफ़ी रही हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई कई लोगों से, कई हिजाबियन से, इंटरनेशनली मैंने देखा है, जैसा मैंने बताया था पूरी अबाय में सिर्फ उनकी आईज नजर आ रही थी, एंड शी वॉज द पायलट एंड रेस्लर, मैंने ब्लैक हिजाबी पूरा देखा, मैंने देखा है कि लोग इवन ये जर्नलिस्ट भी होती हैं, कितना प्रूफ करो भाई, एंटरप्रेन्योर्स होती हैं इतने ज्यादा, आप कहाँ कहाँ प्रूफ करेंगे भाई, अब तो मान जाओ कि ये क्यों इतना ज्यादा स्टिग्मा बना रखा है। अब हम एक नॉर्मल उसकी तरह है जो अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर रही है, करने दो, लेट मी लिव माई लाइफ। मैं मतलब आप इसको चीज को ऐसे क्यों कर देते हो, पहले लोग के तो कंजर्वेटिव होगी, इसे क्या बात करनी, अच्छा आप ये वो फलाना, मतलब ठीक है यार, आई थिंक दे आर कंजर्वेटिव, इजंट इट, एग्जैक्टली, आप एक सिर्फ ड्रेस कोड की वजह से आप किसी को कैटेगराइज कर दे रहे हैं कि आप इस कैटेगरी में आते हैं कंजर्वेटिव में और इसमें नहीं, एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द ड्रेस कोड दैट अ गर्ल, लोगों को मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन पहले समझनी पड़ेगी। वो लोग मतलब ड्रेस कोड को मॉडर्नाइजेशन से जोड़ देते हैं, बार मतलब एक ठीक है आप वेस्टर्न के एजुकेशन सिस्टम अपनाओ, उनके तौर तरीके अपनाओ, बट ये वाला नहीं कि आप बिल्कुल ही उनकी तरह कपड़े पहन के उनकी तरह हो जाओगे मॉडर्न। ठीक है वो मॉडर्न है, आप भी मॉडर्न हो सकते हो, बट बिना उनके उनकी हर चीज़ को ही अपनाते आप मॉडर्न होंगे। दे आर गुड एट समथिंग बट नॉट ऑन एवरीथिंग, लाइक हर चीज़ में तो नहीं ना, and we can have our opinions, come on but still India, हम Indians अपना कल्चर संभाल के भी मॉडर्न हो सकते हैं, that's not the you know bad thing। मैंने देखा है हमारे कैंपस में कैरलाइट्स को मैं काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि जब भी कहीं फंक्शन होता है तो कैरलाइट्स अपनी धोती कुर्ते में होते हैं हमेशा, आप देखोगे वाइट धोती में, और मैं उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि they themselves are very proud of their culture। और हम मैंने कुछ हिजाबीज को देखा है कि कुछ फंक्शंस होते हैं लाइक दे आर नॉट प्राउड ऑफ देयर ओन हिजाब,
आई एम प्राउड ऑफ माई ओन हिजाब बट मैंने लोगों को देखा है कि उनको लगेगा कि यार यू नो सोशल कन्फर्मिटी फॉर सोशल कन्फर्मिटी वो उनको लगता है कि यार ये पहना था क्योंकि घर वालों ने पहनाया पड़ोसियों की वजह से पहनना पड़ रहा था अब उतार रही हूँ कुछ क्योंकि कुछ लड़कियाँ गलती घर से आती हैं कैंपस में उतार देती हैं। हमारे साथ अभी थी आबिदा खातून हैं जो कि ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है पॉलिटिकल साइंस में जामिया मिल्लिया इस्लामिया से और एमए भी कर रही हैं साथ ही साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रही हैं। होप आप बहुत 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 कामयाब हों और क्योंकि आपके इरादे बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। और अभी आबिदा हमसे बात कर रही थी कि हिजाब इज़ नॉट अ हर्डल इन आवर ड्रीम्स। थैंक यू।